Hello students, welcome to the Trigno Academy. Today we will discuss about the BK syllabus of 12th standard and its chapter weightage. So this is your syllabus of BK. Your first chapter is partnership final account. Final account आप लोग के लिए नया टॉपिक नहीं है. 11th standard में हम लोग ने final account किया था, but 11th का फाइनल अकाउंट एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न को रिलेट करता था. यहां हम पढ़ेंगे एक पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा जो हम लोग लेक्चर्स के ड्यूरेशन में सीख लेंगे. फाइनल अकाउंट बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंपल्सरी आता है 15 मार्क्स के लिए. आपका नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मींस वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना होता है. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग अकाउंट्स देखेंगे जो कंपल्सरी के लिए आता है आपको 12 मार्क्स के लिए. नेक्स्ट चैप्टर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर. एडमिशन ऑफ पार्टनर ये टॉपिक में हम देखेंगे जब पार्टनरशिप बिजनेस में नया पार्टनर एंट्री लेता है तो उसके अकाउंटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम देखेंगे कि जब पार्टनर्स में से जब पार्टनरशिप फर्म में से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके अकाउंटिंग इफेक्ट्स क्या होंगे. एंड नेक्स्ट इज डेथ ऑफ पार्टनर. अगर पार्टनरशिप में से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमारा अकाउंटिंग इफेक्ट क्या रहेगा. ये तीनों टॉपिक में से कोई भी दो टॉपिक एग्जाम में आते हैं वो भी ऑप्शन में. इट मींस ये तीनों में से आपको दो टॉपिक एग्जाम में आएंगे, उसमें से आपको एक टॉपिक अटेम्प्ट करना है 10 मार्क्स के लिए. योर नेक्स्ट चैप्टर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन मींस डिसॉल्व. मींस जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है, जब पार्टनरशिप फर्म क्लोज होता है तो हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं एंड उसका इफेक्ट कैसे लेना है वो हम लोग ये टॉपिक में सीखेंगे. ये टॉपिक ऑप्शन के लिए आता है, 10 मार्क्स का इसका वेटेज है. इसके ऑप्शन में आने वाला टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर. इश्यू ऑफ शेयर. इश्यू ऑफ शेयर में हम देखेंगे कि कंपनी जब अपना शेयर इश्यू करती है तो उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और उसके जनरल एंट्री समय कैसे मानेंगे. अगेन इश्यू ऑफ शेयर आता है 10 मार्क्स के लिए. आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और इश्यू ऑफ शेयर ये दोनों में से कोई भी एक टॉपिक एग्जाम में अटेम्प्ट करना है. आपका नेक्स्ट टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. इट मींस द रोल ऑफ ए बिल एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऑन क्रेडिट. जब हम उधार का ट्रांजेक्शन करते हैं, जब हम उधार में परचेज या सेल करते हैं तो बिल का क्या रोल होता है वो एंड उसके अकाउंटिंग इफेक्ट हम देखेंगे ये टॉपिक में. ये टॉपिक भी आपको कंपलसरी आएगा 10 मार्क्स के लिए. और नेक्स्ट टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्टिकल फॉर्म में और वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर सकते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर इन अकाउंटेंसी. कंप्यूटर इन अकाउंटेंसी मींस द रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है टैली. ये चैप्टर में हम डील करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैली से. ये दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट थ्योरी के लिए आएगा आपको. ये दोनों चैप्टर का वेटेज मिला के 8 मार्क्स. ऑल टुगेदर ये सब चैप्टर्स मिला के आपके होते हैं 65 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स का आपको आता है ऑब्जेक्टिव, टोटल 80 मार्क्स. तो ये है आपका पूरा बीके का सिलेबस. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द फाइनल अकाउंट. थैंक यू.